नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बधौलिया। आप हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं। अशोकनगर शहर को दो भागों में बांटने वाली रेलवे पटरी पर बनने वाले अंडरब्रिज को लेकर आज स्थानीय विधायक जसपाल सिंह जज्जी और कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा एक बार फिर मौके पर पहुंची और नई डिजाइन के तहत जो यूसेफ का अंडरब्रिज बनाने की बात की जा रही है उसकी संभावनाओं को तलाशा। विभिन्न तरह की बातों और रेलवे के तमाम सारे अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद विधायक ने बीते दिनों दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा की थी। आज दोनों ने मौके पर पहुंचकर आने वाली समस्याओं और उससे जुड़ी तकनीकी विषयों पर भी जो है बातचीत की। अशोकनगर शहर में बनने वाले अंडरब्रिज को लेकर तमाम सारी चर्चाएं हैं, बीते कई वर्षों से इसकी मांग भी की जा रही है। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 2 करोड़ रुपए सेंशन इस मुद्दे के लिए किए हैं कि यहाँ पर अंडरब्रिज बने ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो सके। पूर्व की सरकारों में जिसमें लोग शामिल थे उन्होंने इसके लिए जो ड्राइंग बनाया था उसके हिसाब से 9 मीटर चौड़ा एक बाई शेप का अंडरब्रिज बनाना प्रस्तावित है जो कि ओवरब्रिज के ठीक नीचे बनाया जा रहा है, मगर अब स्थानीय लोगों की मांग है कि कम से कम 4 व्हीलर इस अंडरपास से अंडरब्रिज से निकले। इसके लिए विधायक पहले दिन से ही लगे हैं, लगातार 4 बार उन्होंने रेलवे के अलग अलग अधिकारियों से इस मुद्दे को लेकर बात की है। हाल ही में DRM से इसकी संभावनाएं तलाशने की बात की है। विधायक ने आज कलेक्टर और दूसरे लोगों के साथ इस जगह का निरीक्षण किया तो उनका यही कहना था कि इस बार अगर हम किसी भी तरह से चूक कर देते हैं या ऐसा अंडरब्रिज नहीं बन पाते जिसमें से 4 व्हीलर नहीं निकलता तो लंबे समय के लिए शहर में एक बड़ी संभावना खत्म हो जाती है। और यही मुद्दा लेकर वो रेलवे के अधिकारियों के पास पहुंचे हैं कि 1 लाख की आबादी के शहर को 2 भागों में न बांटा जाए और किसी भी तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए एक अंडरपास या अंडरब्रिज की बहुत ज़रूरत है जिसमें 4 व्हीलर निकल सके। और इसी पूरी मुद्दे को लेकर बीते 1 माह से वो लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब अधिकारियों ने इस बात को लेकर सहमति जता दी है कि संभवतः यहाँ उस तरह का डिजाइन बनाया जा सकता है जिस तरह की विधायक बात कर रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं इस दौर में हैं, साथ ही फंड की एक अपनी परेशानी है। अब इन चीज़ों को कैसे हल किया जाएगा और आगे इन पर कैसे काम होगा, इन सब के लिए अधिकारी अब माथा पच्ची कर रहे हैं। कल भी कुछ अधिकारी इससे जुड़े मुद्दों को लेकर यहाँ बात करेंगे और मौके का निरीक्षण भी करेंगे। बहरहाल ये है कि इसका लगभग टेंडर हो चुका है, काम शुरू होने की स्थिति में है और इस बीच में नए सिरे से इस पर जो बातचीत की जा रही है वो शहर इसको लेकर देखते हैं कि विधायक अपने प्रयासों में कितना सफल हो पाते हैं और जो तकनीकी समस्याएं बड़े स्तर पर भी आ रही हैं उन सर कैसे पार पा सकते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इसको युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं और कई स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। अशोकनगर में कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के मुख्यातिथ्य में यहाँ के विवेकानंद स्कूल में मुख्य आयोजन रखा गया जिसमें करीब 600 बच्चों ने विभिन्न योगासनों के साथ साथ सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान जिले भर के तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू शर्मा, अपर कलेक्टर डॉक्टर अनुज राहुल रोहतगी, SDM नीलेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण शर्मा मिश्रा, इसरार खान तहसीलदार, जिला क्रीड़ा अधिकारी रमेश ओझा, जिला स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन शासन के निर्देश अनुसार जिले में किया गया। सूर्य नमस्कार ऐसा व्यायाम है जिससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम एक साथ होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपने जल जीवन में आत्मसात कर भविष्य की ओर अग्रसर रहे इस तरह का संदेश आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया गया। सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्वारा किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में के धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण को भी प्रसारित किया गया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का गायन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा अपने संदेश में युवा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार हमारे जीवन को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होने का प्रकाश एवं संदेश देता है। कलेक्टर सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने भी सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार के दौरान 12 मुद्राओं के साथ व्यायाम किया गया। इसमें 600 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्राओं का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर
माँ सरस्वती के समक्ष माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल श्री महेश कुमार श्रीवास्तव एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की एक झांकी भी लगाई गई थी, जिसका अधिकारी कर्मचारियों ने अवलोकन भी किया। 12 जनवरी हम सूर्य नमस्कार के रूप में मनाते हैं, योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमें योग हमारी नियमित दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। और जैसा आप लोग अभी बहुत देर से सुन ही रहे थे, ये मैसेज सबको मिल ही रहा है कि योग हमारे लिए क्यों जरूरी है और इससे क्या क्या लाभ है। इससे आपका जो तन है उसकी तो सुदृढ़ता बनती ही है आपके, लेकिन साथ में योग के रूप से हमारे जो मानसिक स्थिति है उसमें भी उन्नति होती है और हम कई चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर थाने के गड़बेरा गांव में टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें जिला चिकित्सालय में ला गया। इसमें एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। इस मौत के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए और सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया गया, जिनमें से कुछ को दूसरी जगह उपचार के लिए रेफर भी कर दिया गया। जिस बच्चे की मौत हुई है उसको करीब 10 घंटे पहले या शनिवार के दिन शुक्रवार की रात शुक्रवार को टीका लगाया गया था। परिजनों का आरोप है कि टीकाकरण में किसी तरह की लापरवाही बरती गई है, इसी कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि टीकाकरण के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई या उसकी मौत हुई है। अशोकनगर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी आर त्रिवेदिया का कहना है कि 10 घंटे के बाद किसी भी तरह की मौत अगर होती है तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि टीकाकरण के कारण हुआ है। अगर तुरंत हुई होती तो ये संभावना है। बहरहाल उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ये तय हो पाएगा कि किस तरह की समस्या थी और किन कारणों से इसकी मौत हुई है। हालांकि लोगों के आरोप और दूसरी चीज़ों के बाद इस मामले को लेकर प्रशासन संजीदा हो गया है और सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जो मुझे मालूम चला है वहाँ की एनएम ने बताया, रीता यादव करके एनएम है, कि उसने कल वैक्सीनेशन किया था तो वैक्सीनेशन के 12 घंटे बाद जो बच्चे का एक्सपायर हुआ है उसके डर के मारे ये सभी लोग बच्चों को लेकर के आए हैं। वैक्सीन लगने के यदि कोई रिएक्शन होता तो तुरंत बच्चे एक्सपायर होता है, लेकिन ये और ही कारण रहा होगा, वो तो पोस्टमार्टम से मालूम चल पाएगा क्या कारण है। लेकिन ये बच्चे जहाँ अभी भर्ती है, 5-6 बच्चे मैंने भी देखे, उनको कोई बहुत बड़ा कारण कुछ नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगने के बाद किसी किसी बच्चों को फीवर तो आता ही है, फीवर के लिए हम लोग दवाई देते हैं, लेकिन वो बच्चा एक्सपायर हुआ उसके डर से के कारण ये सभी लोग बच्चों को लेकर के आए। यहाँ बच्चे देखे हुए भर्ती किए हुए नहीं, अभी उसको वैक्सीन में देखा नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ क्योंकि वैक्सीन पूरे ब्लॉक में गई है, पूरे ज़िले में बढ़ती है उसमें और सभी पूरे ब्लॉकों में उसे टीका लगे होते हैं, लगते ही है। कल भी टीका सब हुआ है। ऐसा है कि ये इस इंजेक्शन के साथ में निमोनिया का इंजेक्शन भी दिया गया है और 2 प्रकार की दवाइयाँ पिलाई गई हैं। हाँ, क्या क्या कौन कौन सी दवाइयाँ पिलाई गई हैं? कौन कौन सी? रोटा वायरस के लिए पिलाया जाता है, 10 सौ जो था 10 सौ। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर कई सारे विभिन्न सामाजिक एवं दूसरे संगठनों ने विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। अशोकनगर शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाइक रैली निकालकर स्वामी विवेकानंद के शब्दों को प्रसारित किया। इसके अलावा शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर डी आर राहुल के नेतृत्व में विवेकानंद गार्डन में उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम किया गया। हमेशा की तरह उनकी मूर्ति यहाँ बगीचे में है। अब लोगों ने आरोप लगाया विद्यार्थियों ने कि साल भर तक स्वामी विवेकानंद की कोई सुध नहीं ली जाती और आज भी औपचारिक तौर पर यह कार्यक्रम किया गया, ना तो प्रतिमा को साफ किया गया और ना ही दूसरी औपचारिकताएं निभाई गई। बहरहाल विवेकानंद जयंती के अवसर पर अलग अलग संस्थाओं ने कार्यक्रम जरूर किए। अशोकनगर के हृदय स्थल गांधी पार्क के समीप क्रमांक 1 स्कूल की हालात बीते 1 वर्ष में बदल चुकी है। यहाँ की तस्वीर बदली है इस स्कूल के पूर्व छात्रों ने। अशोकनगर शहर का ये वो स्कूल है जिसमें कई पीढ़ियाँ एक के बाद एक पढ़कर आगे बढ़ी हैं या लगातार इसमें शिक्षा लेती रही हैं। इन्हीं में से कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने इसमें शिक्षा दीक्षा ली थी। जब उनको ये मालूम पड़ा कि इस विद्यालय परिसर के हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ व्यवस्थाओं के नाम पर चीज़ें बहुत बुरी तरह से हैं, फर्नीचर नहीं है या स्टाफ के साथ साथ और बिल्डिंग की भी अपनी परेशानी थी, साथ ही यहाँ पर
ऐसे लोगों का कब्जा होते जा रहा था जो असामाजिक तौर पर थे या किसी तरह की गलत काम हो रहे थे। इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके इसको एक नए स्वरूप में लाने के बाद इसका रंग रोगन करने और दूसरी कई सारी सुविधाएं यहाँ जुटाई गई और इसके बाद अब ये आदर्श विद्यालय के तौर पर बनने जा रहा है। आज अशोकनगर विधायक जितपाल सिंह जज्जी ने इसका निरीक्षण किया। जो लोग इसकी साफ सफाई और इसको संवारने का काम कर रहे हैं उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की। विधायक का कहना है कि इस स्कूल को जिले का या शहर का आदर्श स्कूल बनाने का प्रयास किया जाएगा। हजारों लोगों की आस्थाएं इस स्कूल से जुड़ी हैं और इसको लेकर जो काम किए जा रहे हैं आज उन्हें उसकी भी सराहना की। इस अवसर पर स्कूल के कामों के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उसमें कुछ लोगों को सदस्यता भी प्रदान की गई है। देखिए क्या कहते हैं। लगी आज आपने जो है मिडिल स्कूल का जो है निरीक्षण किया, किस तरह की चीजें रही और यहाँ क्या प्लान कर रहे हैं? असल में ये हमारे मित्र हैं सब और इन लोगों ने जन सहयोग से प्रयास किया इस स्कूल को संवारने का और पिछले समय 2-3 बरस से एक बरस से लगातार ये सारे इन्होंने जो ग्रुप बनाया ज़्यादातर पुराने स्टूडेंट जो स्कूल क्षेत्र में पढ़े हैं तो वो आपस में कलेक्शन करके और इस स्कूल में उन्होंने बहुत काम किया है। क्लासेस में फर्नीचर या बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है उसको प्रयास किया है उपलब्ध कराने का। आज मैं आया था यहाँ अपने मित्रों के साथ ये देखने की और इसमें क्या कर सकते हैं हम। निश्चित रूप से इनका प्रयास सराहनीय है, हम प्रयास करेंगे कि जो भी मेरे से बन पड़ेगा इसको हम एक शहर का आदर्श स्कूल बनाने का प्रयास करें। इसमें जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो क्रमांक एक स्कूल हम लोग इसमें पढ़े हुए सीनियर स्टूडेंट हैं और काफ़ी प्राचीन था और इसमें मतलब करीब करीब उस समय एडमिशन लेने में दिक्कत आती थी इतनी ज़्यादा इसकी मतलब बहुत ही। पर आज की स्थिति में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत कम हैं और काफ़ी इसमें सुधार की आवश्यकता है। विधायक जी आज ने आज स्कूल का मुआयना किया है तो मैं समझता हूँ कि आगे इस स्कूल की प्रोग्रेस और पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग तो अभी तक आपने जो क्या 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 इसमें किया है? इसमें एक पूरी बिल्डिंग जर्जर स्थिति में थी, काफ़ी इसमें मतलब डैमेज हो रहा था जगह जगह, वो सब रिपेयरिंग की, किवाड़ टूट रहे थे सारे किवाड़ों की रिपेयरिंग की, फर्नीचर बच्चों के लिए लगवाए जितने बच्चे आ रहे उनका फर्नीचर फट गया, दीवारों की ऊंचाई 8-8 फुट ऊंची करके इसको ठीक किया गया, लेटरिन बाथरूम बहुत गंदे हो रहे थे उनको भी रिपेयरिंग करवा के ठीक करवाया गया। ये सब प्रोजेक्ट हैं, जगह जगह गंदगी फैली हुई थी उसको क्लीन करवा के स्कूल को साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भविष्य में भी है कि ये प्रांगण अच्छा बने और शिक्षा के क्षेत्र में इसका नाम हो जिले में।